अभी आपने जो हमें वो सीरीज दी थी वो चोरी हो गई है सर। सर यकीन मानिए इस बार हमने अपनी तरफ से तमाम बंदोबस्त किए थे लेकिन और फिर भी वो गद्दार कामयाब हो गया। आपके भरोसेमंद कमांडोज में से आप एक गद्दार को पहचान तक नहीं सके। गलती मेरी ही थी जो ये जिम्मेदारी मैंने आप पर सौंपी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूंगा 26 जनवरी को। अब तक तो सारा का सारा सिक्योरिटी प्लान दुश्मनों के हाथों लग चुका और आप लोग तो इतने कारगर है नहीं कि इतने कम समय में एक नया सिक्योरिटी प्लान तैयार कर सके। वीर साहब अगर ये बात बाहर किसी को पता चल जाएगी तो इस बार देश में गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जा सकेगा। बहू चाय ले आओ। सिर्फ समीरा ही इस नुकसान की जिम्मेदार नहीं है। अगर देश के ऊपर किसी भी तरह का खतरा आया ना तो मैं सीधे तौर पर तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि अगर तुम सच बोल रहे हो जिसकी संभावना बहुत ही कम है तो तुमने चाबी खोकर बहुत बड़ी लापरवाही बरती और अगर तुम झूठ बोल रहे हो जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है तो तुम अब तक की अपनी कमाई हुई पूरी साख को मिट्टी में मिला रहे हो। देश के साथ गद्दारी कर रहे हो तुम। अभी वक्त है भैया सच बताओ तुम चुप रहकर झूठ को और बुलंद मत करो। अभी टेल मी द गॉडडैम ट्रूथ। मैंने जो भी कहा वो सच था। तुम झूठ बोलकर एक देशद्रोही का साथ दे रहे हो। तुम्हें मालूम अपनी जिंदगी के सारे वसूलों को एक देशद्रोही के लिए तोड़ रहे हो तुम। सर मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। तुम्हें एक दिन का समय दिया जा रहा है 24 आवर्स। तुम्हें जितना सोचना है सोच लो और अगर उसके बाद भी तुमने सच नहीं बताया तो चाबी खोने के लापरवाही के जुर्म में तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया अभी? तुमने झूठ क्यों कहा? समीर इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। तुम अपने आप को उस गुनाह की सजा क्यों दे रहे हो जो तुमने किया नहीं? और किसके लिए? उस इंसान के लिए जो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहा है। तुम उसका नाम क्यों नहीं बता देते अभी? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? गिव मी अ रीजन। जो इंसान देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है वो देश की सुरक्षा को दांव पर लगाएगा? समीरा इस मामले में हम बात नहीं करें तो अच्छे। नहीं अभी, पहले ही मैं खुद पर लगे झूठे इल्जाम से लड़ रही और अब तुम पर ये इल्जाम मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज बता दो अभी उस दिन क्या हुआ था, किसे देखा था तुमने? सच्चाई छिपाने से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जितना सोचोगे उतना उलझते जाओगे। अभी सच्चाई बता दोगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। Just tell me the truth. समीरा मैं पहले भी सच बता चुका हूँ। एक और झूठ। अगर सच बोल रहे होते तुम्हारे कदम एक जगह टिके होते। झूठ को यहाँ वहाँ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे होते तुम। कुछ चीजें छुपाने में ही सबकी भलाई होती है और देश की भलाई ईमानदारी में होती है। अभी झूठ बोलकर खुद ही अपने उसूल तोड़ रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा समीरा। और सच भी नहीं बोल रहे अभी। समझ से क्यों नहीं तुम? सच छुपाना सबसे बड़ा झूठ होता है। सच जानना चाहती हो ना तुम? सच जानना चाहती हो? सच ये है कि उस रात चाबी निकालते हुए मैंने तुम्हें देखा।
यकीन है समीरा कि तुम गुनहगार हो ही नहीं सकते, हालांकि मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से भागे देखा। समीरा, अगर भगवान खुद आके मुझसे कह दे कि तुम देशद्रोही हो तब भी मैं नहीं मानूंगा। भगवान भी एक वक्त गलत हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा प्यार नहीं। से प्यार करता हूं समीरा, बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू, आई लव यू समीरा। तुमसे बहुत प्यार करता हूं समीर, आई लव यू। जानते हो अभी मैंने इस पल को अपनी जिंदगी में एक सपना बना के रख दिया, आज ये सपना हकीकत बन गया। आई लव यू अभी, आई लव यू समीरा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। कुछ कहो उसका कोई मतलब नहीं, मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। प्लीज आई एम सॉरी, हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ जस्ट उसे भूल जाओ।